now we will discuss how ecd programs give us an opportunity to work with parents and caregivers as i have told earlier ece programs are not only for the children but they are for their parents also they involve and engage their parents also so ecd programs offer a key opportunity to work with parents caregivers educators and communities अब देखें जो ये प्रोग्राम हम मुख्तलिफ़ स्कूलों में शुरू करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ बच्चों को अकेले उनको तालीम या केयर नहीं दी जाती बल्कि उनके पेरेंट्स तक उनके दूसरे केयर गिवर्स तक और उनके एजुकेटर्स तक अप्रोच किया जाता है यानी सबको हम ट्रेन करते हैं कि भाई आपको भी पता होना चाहिए कि बच्चों की इस उम्र में क्या ज़रूरियात हैं उनको कैसे पूरा किया जा सकता है और कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको इस प्रोग्राम के थ्रू रिजॉल्व किया जा सकता है तो सबसे पहले तो हम ये मदद करते हैं कि वो रिफ्लेक्ट करें यानी वो ये देखें कि जो प्रैक्टिस करेंटली चल रही हैं आया उनका कोई फ़ायदा है या कोई नुकसान और ये कि कहाँ वो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और कहाँ वो ज्यादा अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं देन वी आस्क देम टू सी अबाउट ट्रांसपोर्ट जेंडर नॉर्म्स कि वो देखें कि अब तक जो प्रैक्टिसेस वो कर रहे थे वहाँ उन्होंने जेंडर के बारे में बच्चों में क्या सोच पैदा की है मतलब कोई डिस्पैरिटी है कोई ऐसा तफावत है जिसको दूर किया जा सकता है और अगर है तो फिर उसके ऊपर काम किया जाए और बेहतर कोशिश की जाए कि बच्चे बच्चियाँ मिल कर एक साथ आगे बढ़ें फिर दूसरी अगली बात है कि अर्ली जेंडर सोशलाइजेशन प्रोसेस देखिए इसी प्रोग्राम्स ही आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि शुरू में ही बच्चों को एक अच्छी सोशलाइजेशन मिल जाए सोशलाइजेशन ह्यूमन भी है और नॉन ह्यूमन भी है यानी अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम बच्चों को पेरेंट्स से केयरगिवर से और एजुकेटर से और दूसरे लोगों से मिलने का मौका भी फ्राहम करता है और इसके साथ साथ कुछ ऐसी इक्विपमेंट मटेरियल या ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ वो एडिशनली इंटरैक्ट करते हैं और सीखते हैं ये सारे मसलन खिलौने हैं एजुकेशनल गेम्स हैं या ऐसी बहुत सी चीज़ें जो बच्चों को घर पे अवेलेबल नहीं है या घर से बाहर नहीं मिल सकती तो वो ई प्रोग्राम्स में उनको मिलती हैं फिर ई सी डी प्रोग्रामिंग ऑल्सो बेनिफिट्स ओल्ड फीमेल सिबलिंग्स देखिए जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अगर शुरू से छोटे बच्चों के ऊपर हम काम करेंगे तो वो घर जाके अपने पेरेंट्स से बात करेंगे अपने बहन भाइयों से बात करेंगे जो मैनर्स वो सीख रहे हैं जो स्किल्स वो सीख रहे हैं तो जाहिर है उनके जो बड़े बहन भाई ऑलरेडी हैं सपोज उन्होंने किसी इसी प्रोग्राम से फ़ायदा नहीं उठाया हुआ तब भी वो भी सीखेंगे सो मदर्स बेनिफिट फ्राम द प्रोविजन ऑफ कंप्रीहेंसिव ई सी डी प्रोग्राम अब ई सी डी जिसको हम अर्ली चाइल्ड हुड डेवलपमेंट प्रोग्राम कह रहे हैं उसमें बच्चों की माओ की भी तरबियत की जाती है अवेयरनेस भी दी जाती है उनको बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जाता है जिस पे अमल करके वो बच्चों की बेहतर नशोनुमा कर सकती मतलब बहुत छोटे बच्चे जो हैं वो आर्टिफिशियल मिल्क ले रहे हैं या वो फीडर यूज़ करते हैं बॉटल यूज़ करते हैं तो वहाँ पे फिर उनकी बीमारी में उनको कैसे हैंडल करना है फिर उनको इमोशनली कैसे हैंडल करना है उनकी हाइजीन की किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और ये सारी चीज़ें जब मदर्स को पता चलती हैं तो उनको भी फायदा होता है फिर जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आजकल के जो नए ट्रेंड्स हैं जैसे जेंडर डिस्पैरिटी को खास तौर पे ख़त्म करना पीस एजुकेशन के बारे में बात करना स्टूडेंट लीडरशिप के बारे में बात करना तो ऐसी चीज़ें आम तौर पर माओ को नहीं पता होती तो ई डी प्रोग्राम उनको ये सारा नॉलेज दे सकते हैं सो प्रोग्राम्स ऑफ एन एंट्री पॉइंट टू प्रमोट रिफ्लेक्शन ऑन एटीट्यूड्स नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन फॉर मैन एंड वेमेन रिगार्डिंग वर्क एंड चाइल्ड रीडिंग तो अब क्या है कि ये इनके नॉर्म्स को एटीच्यूड्स को इनके सारे तरीक़ाकार को और बिहेवियर्स को चाहे वो मर्द हैं चाहे औरतें हैं पेरेंट्स तो दोनों ही हैं ना फादर है मदर है फिर दादा दादी नाना नानी घर में जो भी केयरगिवर्स हैं उन सबको जब अवेयरनेस दी जाती है तो बच्चों के लिए ओवरऑल एक कंकूसव एनवायरनमेंट बन जाता है और जो उनके लिए ज़ाहिर बहुत मुफीद है